हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ BTS ऑफ महबूब मेरे। तो ये डांस वीडियो शूट करते हुए कितनी मुश्किलें आई, कितने तानझांग हमने किया, आप तो देखना चाहोगे कि नहीं। तो चलो आज मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाती हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की है इसमें। हमने अकेली मैं नहीं, दूसरे लोग भी मेहनत किए हैं जो मेरा वीडियो बना रहे थे, वो भी बहुत को क्रेडिट तो देना पड़ेगा यार। अभी तक अगर आपने महबूब मेरे नहीं देखा है तो जाके देख लो, असम लोकेशन पे शूट हुआ है गाइस। तो हम यहीं जो जहां मैं आपको सीन दिखा रही हूँ यहीं पे स्टे किए थे, जहां आप देख सकते हो एक घर भी है। मैं पहले सोच रही थी इस सब जगह पे डांस करूं बट नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल वहां हुआ नहीं। तो ये जो नीचे का एरिया उनका था वहीं से स्टार्ट किया। देन ये व्यू जो देख रहे हो, मुझे लग रहा था कहाँ कहाँ जाके करूं, लेकिन इतना इजी नहीं है यार। सब जगह चढ़ाई है, चढ़ना पड़ेगा उतरना पड़ेगा, और पूरा पहाड़ों वाला रास्ता है। तो बहुत मुश्किल के साथ ये वीडियो तो बना, आप देख सकते हो लोकेशन, लेकिन बहुत जबरदस्त है, क्या कहते हो आप। तो चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो इस ड्रेस को, आउटफिट को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत लगी है। तो मैं गई थी परेड मार्केट, जहां से मैंने इसका फैब्रिक, लेस एंड ऑल लिया, क्योंकि मुझे इसको आउटफिट को खुद ही बनानी थी। मतलब मैंने मुझे नहीं बनानी थी, टेलर से बनवानी थी। तो फाइनली आउटफिट बन चुका है, आप देख सकते हो। इस वीडियो के शूटिंग के लिए मुझे बहुत सारे प्लानिंग पहले से करनी पड़ी, और जैसे कि ज्वेलरी जो पहनूंगी, इसमें ब्रेसलेट है और जो पायल है, पायल भी मैंने बनाया था गाइस। तो बहुत सोच सोच के सब चीज किया है मैंने इसके लिए, और ये आउटफिट भी। तो लेकिन आउटफिट का जो ब्लाउज है वो इतना अच्छा मुझे लगा नहीं कि अच्छा बना, लेकिन हाँ स्कर्ट तो बन गया, चलो काम चल गया उसमें। तो आगे देखोगे आगे क्या हुआ है, अब जैसे वीडियो में तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, फाइनली देख सकते हो व्हाइट पर्ल की परी लग रही हूँ। रेडी होके आ चुकी हूँ, मेरा जो एक सॉन्ग है उसको शूट करने के लिए, इसलिए आउटफिट। सो फाइनली यहाँ से हमारा शूट शुरू हुआ, और जहाँ स्टे कर रहे थे वहीं से हमने शुरू किया था पहले। और यहाँ स्पेस कम पड़ रही थी, पहले कैमरा में शूट हुआ DSLR में, बट वो एंगल नहीं पकड़ पा रहा था, मेरा डांस नहीं सही से आ पा रहा था, इस वजह से हमने फिर आईफोन में शूट किया। और इसके सारे पर्सन आप देखना, गाने में जैसे जैसे है ना सॉन्ग में, रियल सॉन्ग में, वैसे ही मैंने कोशिश किया शूट भी ऐसा करने का और डांस भी। आप खुद क्लिप में देख सकते हो, मैं छोटे छोटे क्लिप इसका ऐड कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि एग्जैक्ट सेम करने में कितना प्रॉब्लम हो। गाइस शूट तो हो नहीं पा रहा यार, ठंडी है, और मैं देख सकते हो जैकेट वैकेट कैप पे पहन लिया क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा है, अब तबीयत खराब हो जाएगा डांस करते करते। ऐसे पहले कैमरे में शूट करने की कोशिश किया लेकिन बैकग्राउंड पकड़ नहीं पा रहा था, कैमरे का एंगल वाइड होता है ना, तो हमने आईफोन में शूट किया है। क्लिप्स कुछ तो उसमें ही हुआ है, और कुछ आउटफिट भी बीच में मैंने चेंज किया क्योंकि कुछ और लग रहा था मुझे, जो बनाया था वो इतना मज़ेदार नहीं बना। तो फिर जा रहे हैं दूसरी जगह पे, इनका एक है प्रॉपर्टी जो अपल गार्डन टाइप है शायद, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा क्लिप लेंगे। अभी तक आधा सूख नहीं हुआ, मेरा दिमाग खराब। तो मैं बहुत कुछ सोच के आई थी लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सुई भैया हमको लेके जा रहे हैं उस जगह पे, एक्चुअली सारी जगह एक ही जैसी है, तो लेकिन देखते हैं हम जाके कहाँ पहुँचते हैं। कहीं पे भी बना सकते हैं, यहाँ यहाँ डांस थोड़ी करोगे यहाँ, फोटो खींचना होगा तो चलो ठीक है फिर। नीचे हाँ चलो भी धीरे 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 धीरे, हाँ नहीं तुम उसको मत देखो, तुम अपना।
तो यहाँ पे जो रास्ता है देखने में इजी लग रहा है कि जाने आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप पैर रखते हैं ना वो मिट्टी फिसल जाता है, तो फिर आप आपका बैलेंस बिगड़ता है, आप गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकता है। फाइनली हम आके यहाँ पहुँच चुके हैं जो अपुल गार्डन है, देख सकते हो बहुत स्पेसियस है, यह बहुत बड़ा गार्डन है एक्चुअली, और यहाँ अपुल अभी हुए नहीं है क्योंकि सीजन नहीं है। और यहाँ आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुश हो गई, क्योंकि वहाँ पे मेरा सूट नहीं हो पा रहा था, लोकेशन एक्चुअली नहीं दिख पा रहा था, इतना प्यारा लोकेशन है, उसका अगर व्यू नहीं आएगा तो कुछ मज़ा नहीं है डांस का और आउटडोर सूट का। तो यहाँ आके पहुँच के मैं इतना खुश है, और इतना हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी। थोड़ा सा पीछे मैं दुपट्टा लेके शुरू हो चुकी हूँ। तो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि हवा का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ से है, ताकि ये दुपट्टा उड़ेगा तो इसका जो वीडियो क्लिप है वो बहुत अच्छा आएगा और ड्रीमी सीक्वेंस जैसा लगेगा, जैसे कि मैं सोच रही थी वैसे ही आया। और हवा बहुत तेज थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही मतलब ज्यादा हमारा साथ दिया मौसम ने और जैसे कह रहे हो एटमोस्फियर ने, तो ये सारे सूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नीचे बिल्कुल झाड़ियाँ कांटे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो पूरा मैंने डिट्टो उसी की तरह करने की कोशिश किया जो रियल में है, और इसको भी एक्चुअली तो उस तरह का सीन हमने क्लिप हमने यहाँ लिया क्योंकि मुझे बिल्कुल पर्टिकुलर वैसे ही वीडियो बनानी थी जैसे रियल वीडियो में है, सुष्मिता सेन ने जैसे किया है वैसे ही मुझे करना था। एक्चुअली इसका जितना भी कोरियोग्राफी है ज़्यादातर सेम कोरियोग्राफी मैंने रखा है, तो उनके पास तो प्रोफेशनल कैमरामैन था, हमारे पास प्रोफेशनल कुछ नहीं है, ना डांसर ना कोरियोग्राफर ना कैमरामैन, तो हम अपना काम उसी से चलाएंगे। तो ये हो रहा था सूट, आंखों में काजल कौन सा होता है उससे इससे पहले वाला, पैरों में पायल, तो ये बिल्कुल डिटो में वो सीन की हूँ इसको, तो पायल तो मैंने बनाया था उसे आपको पहले बताया था। और इसके बाद हमने दुपट्टा को लेके यहीं वो जो अपुल का पेड़ है वो दो पेड़ में से लगा दिया, और उसके वजह से इस के जो वीडियो क्लिप का जो सूट है इतना मज़ेदार आया, इतना अच्छा लगा खाली उंडी और दुपट्टे की वजह से, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी तो दुपट्टा उड़ रहा था। बहुत सारे सेक्शन में मैंने उसी को रखा जो ये दुपट्टा का पोर्शन है जहाँ, तो मैं उसके आसपास कर रही थी, और ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे किया है ना, तो इस पोर्शन को करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी और मुझे उधर के साइड झुकना था, उधर के साइड खाई था, हवा की इतना फोर्स था कि मुझे लग रहा था मैं उधर ही जाके डिसबैलेंस होके गिर जाऊंगी। नेक्स्ट ये वाले क्लिप में भी मैंने सेम करने की कोशिश किया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इतना सेम नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत हुआ, दो तीन टेक हमने लिया इसका सबका। नेक्स्ट ये वाले सीन में मुझे बिल्कुल डिटो ये वाला गेटअप में आना था, बट ज्वेलरी में लेके आई थी लेकिन सब ऊपर रह गया, फिर रेडी होने के लिए ऊपर जाके फिर नीचे आने का हिम्मत नहीं था क्योंकि लेट हो रही थी। और ये वाला स्टेप भी मैंने सेम ही किया है जैसा उन्होंने डांस में किया था, वीडियो में जैसा उन्होंने किया था वैसे ही किया है सेम बिल्कुल। कोरियोग्राफी मोस्टली उनके अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने जो जो किया है वही वही है, क्योंकि इस वीडियो को मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी, और उसका जो ऑथेंटिक वो जैसे ही है वैसे ही बहुत मजेदार बना है, तो मुझे भी वैसे ही बनाना था। और सबसे बड़ी बात तो लोकेशन हमको इतना अच्छा मिल गया, तो उसकी वजह से ये जो सूट है ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा ड्रीमी सूट की तरह निकल के आया। और ये ट्रेन गाड़ी वाला स्टेप भी उन्हीं का ही था एक्सप्रेशन के साथ, ये वाला शॉर्ट क्लिप भी आप देख सकते हो बिल्कुल डिटो उनको ही मैंने कॉपी किया है, और ये वाला सीन भी ये दोनों ही क्लिप में आप देख सकते हो। देन ये एंडिंग के लिए मुझे यहाँ पे स्लो मोशन में रखना था अपना क्लिप को, तो मैंने पूरा ये इसको स्लो मोशन में रखा। अब चढ़ना है इस पहाड़ पे होटल तक जाने के लिए।
यहाँ तक आते आते जान चली गई। कितना इजीली चले गए थे पता नहीं चला कितनी दूर गए। पहाड़ और चढ़ना है। अब कहाँ से दौड़ दौड़ा चल चल के आए हैं हम सूट के लिए। अपना वो सूट वहीं पे किया है वो जो क्रेन दिख रहा है पता नहीं दिख भी पा रहा है नहीं ये इस जगह पे जूम करके दिखा रही हूँ उसको। और ये एक्चुअल में इतना दूर है ठीक है। और मेरा एक पत्थक वाला डांस भी है तो क्लासिकल जो मैं सोच रही हूँ क्या ये कुआ है ये वाला सीमेंट का तो मैं सोच रही हूँ सीमेंट चाहिए क्योंकि वो तो खाली पैर ही होना है। इसको तो मैंने ये जूता पहन के थोड़ा कर लिया तो चल गया लेकिन उसको तो खाली पैर करना पड़ेगा तो आई थिंक कि मैं वहीं पे करूँगी कुएं के ऊपर तो व्यू भी आ जाएगा और शायद सही हो जाए पता नहीं अभी तो फिलहाल तो यही सोचा है बाद में देखते हैं क्या होता है। डिफ़िकल्टीज होती है। सूट जो है कंप्लीट हुआ है खराब घर में इतनी इजीली स्टेप हो जाता है आउटर सूट सो मच डिफिकल्टीज। और वहाँ तो झाड़ियाँ थी झाड़ियाँ होली और कांटे भी थे तो मैंने ये एकदम ये जूता लाई थी तो इसी को पहना। अब बहुत ठंड लग रही थी उधर तो हवा चल रही थी इतनी तेज़ हवा ठंडी बिल्कुल। और उतरने में इतना पता नहीं चल रहा था उतर के चले गए जोश 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 था उस टाइम क्या हो मेरा जो सूट है वो आधे में रह गए तो जोश में मैं उतर गई। हाँ चढ़ने के टाइम हालत ख़राब ठंड ठंडा लग रहा है ऊपर से बहुत चढ़ाई है जो कहते हैं ना तीखा चढ़ाई बुरा वो है। पहले पता नहीं था कि वहाँ जाके कर सकते हैं सूट तो मैंने स्टार्ट वाले शूटिंग जो है इसी के अंदर शुरू किया। पता नहीं एडिटेड में आपको ये वाला पर्सन भी दिख सकता है। जा रही हूँ अपने रूम में जैसे कि और वो वाला जो ब्लाउज बनाया था मैंने ये सूट के लिए मैंने चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और लग रहा था मुझे यहाँ से। तो ये व्हाइट टॉप जो है मैं एक लाई थी परचेज किया था मिंत्रा से इसको पहना पीछे में जाके कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था इस चक्कर में ऐसे ये इसके साथ जा भी रहा है क्या हो गया महाराज। हम लोग जब आए तो मैं बीच बीच में रुक रुक के आ रहे हूँ कितने आसानी मैं रुक के नहीं आया चले गए चले चल के उतर चल के आ गया उतर तो एक बार आ जाओ चल के फिर लेट गया अंदर फिर कहा कि दो गरम पानी दो ग्लास पी हालत खराब